में मंत्री कवासी लखमा को धमकी मिली है। अंकुश शर्मा नाम के व्यक्ति ने फोन कर सीबीआई जांच की धमकी दी है। धमकी देने वाले शख्स ने अपने आप को दिल्ली का सीबीआई इंस्पेक्टर बताकर मंत्री के खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज होने की बात कही है और इस मामले को रफा दफा करने मंत्री से 2 लाख रुपए की मांग भी की है। 20 दिसंबर को मंत्री के पास पहला कॉल आया था। पिछले 9 दिनों से लगातार फोन कर रहा है और परेशान कर रहा है। मंत्री के पीएसओ नोने सिंह बागरी ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। जिस फोन नंबर से मंत्री को फोन आया उसकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश की बताई जा रही है। आपको बता दें मंत्री कवासी लखमा को जो है फोन पर धमकी मिली है। अधिक जानकारी के लिए हेमंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए ऋतु, प्रदेश को उद्योग और कवासी जो उद्योग और आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनको फोन पर धमकी मिली है। धमकी करने वाले व्यक्ति ने 20 दिसंबर को पहला कॉल किया और अपना नाम अंकुश शर्मा बताया और अपने आप को दिल्ली का सीबीआई इंस्पेक्टर उन्होंने बताया फोन पर। हालांकि मंत्री ने फोन नहीं उठाया था क्योंकि उनका जो फोन है वो उनके पीएसओ के पास था। वो किसी मीटिंग में व्यस्त थे तो उनके पीएसओ को ये कहा गया कि मंत्री जी का कोई मामला सीबीआई में शिकायत दर्ज हुई है और इसी सिलसिले में मामले को रफा दफा करने के लिए आप 2 लाख रुपए दीजिए। यानी 2 लाख रुपए मामले को रफा दफा करने के लिए मांगा गया। उसके बाद लगातार 9 दिन से, पिछले 9 दिन से लगातार फोन पर ये बात कही जा रही थी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, मामले को रफा दफा कर दे, नहीं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा। पूरे परेशान होने के बाद जो मंत्री के पीएसओ हैं इन्होंने सिंह बागरी, उन्होंने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है। उसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। कुछ नंबर सभी पुलिस को मिले हैं और लोकेशन के आधार पर यहाँ पर टीम रवाना की गई है। हालांकि जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक जिस फोन से नंबर जिन नंबर से फोन आया था उसका लोकेशन हिमाचल प्रदेश मिला है। हेमंत जिस तरह से हम देखें, पहले टीएस सहदेव को भी धमकी मिली थी, उनके पास भी इस तरह के कॉल आए थे और अब कवासी लखमा के पास माफ कीजिएगा सीए पर ट्विटर पर जो धमकियां मिली थी उनको, अब इनके पास कॉल आए हैं। जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, क्या लगता है जिस तरह की व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं, क्या वहां पर कोई पुलिस का प्रशासन का डर नहीं है? देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सब चीजें वास्तविक तुरंत की घटना होती है। ये ना तो किसी प्रकार का देखा जाए तो ये जो अपराध का से अनुमान लगाया जाए कि अपराध बढ़ रहा है, ये सभी चीजें इसमें शामिल नहीं हो सकती क्योंकि जिस तरीके से हमने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को के खिलाफ देखा गया था कि पर हेमंत यहाँ पर अपराध की नहीं दुस्साहस की बात हम देख रहे हैं साफ तौर पर। देखिए हाँ, वो एक निश्चित तौर पर ये बात निकल कर सामने आ रही है, न सिर्फ ये सरकार में, पिछली सरकार में भी 2 से 3 मंत्रियों को फोन पर धमकी मिली थी। कई एक मंत्री को धमकी मिली, आज तक उस आरोपी को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। तो ये काफी गंभीरता वाली बात है कि आखिरकार जो आरोपी हैं इस तरीके से क्यों मंत्रियों को धमकाने में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जो बात की जा रही है, पुलिस ने मामले में कहा है कि जो पूर्व विधायक हैं बस्तर के मनीष कुंजाम, उनके नाम लेकर मंत्री कवासी लखमा को फोन किया गया है कि मनीष कुंजाम ने आपके खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज की है। एक तरीके से देखा जाए पूरा ब्लैकमेल का मामला है। लगातार 2 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। हालांकि कुछ दस्तावेज जो ब्लैकमेल का मामला तो यहाँ पर है, मंत्री का कुछ कहना था वहाँ पर किसी पर आशंका जताई उन्होंने या कोई पुरानी रंजिश हो या कुछ लड़ाई झगड़े हो, उनसे कुछ बात हो पाई? देखिए मंत्री कवासी लखमा से बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, लेकिन उनके जो पीएसए हैं, पीएसओ हैं नोने सिंह बारगी, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ये पूरी कहानी बताई है और उन्होंने इसके साथ ही बताया है कि 20 दिसंबर को पहला कॉल आया था जब नगरीय निकाय चुनाव के सिलसिले में जो मंत्री कवासी लखमा है वो सुकमा गए हुए थे। चलिए बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी को साझा करने के लिए। और नियमित